एक बूटेबल पेन ड्राइव को आप इस्तेमाल करके अपने विंडोज को रीइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वर्चुअल मशीन पर पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे वर्चुअल मशीन में एक बूटेबल पेन ड्राइव को यूज़ करके विंडोज रीइंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं रिपब्लिक टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। इसके लिए आप सिंपली न्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जो नाम चाहे वो नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा Windows 10 by Bootable Pen Drive। मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया है Windows 10 Bootable Pen Drive। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट हो जाएगा या फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप अमाउंट ऑफ रैम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4GB रैम दे दिया है, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इसे 2GB रैम भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्टोरेज इसको एलोकेट करना है, जो कि है 50GB। यदि आप विंडोज 7 करना चाहते तो आप 32GB दे सकते हैं या फिर विंडोज 8 के लिए 40GB दे सकते हैं, लेकिन अगर आप विंडोज 10 करना चाहते हैं तो आपको 50GB ही देना होगा। फिर आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वर्चुअल मशीन को क्लोज कर देना है। इसके पहले आप एक और काम कर सकते हैं, ये वीडियो मेमोरी को इंक्रीज कर देंगे 256MB तक और इस पर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम में आके प्रोसेसर में आके इसको 2 कोर्स दे सकते हैं। मेरे सिस्टम में 6 कोर्स है तो मैंने इसको 2 कोर्स दे दिए हैं। अब आप सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। फिर आप सर्च करेंगे वर्चुअल मशीन USB बूट GitHub। आपके स्क्रीन पर GitHub की वेबसाइट आ जाएगी, ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको रिलीज दिखाई देगा, आप सिंपली यहाँ पर आएंगे एसेट्स में। बाय डिफॉल्ट ये एसेट्स क्लोज भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपैंड कर लेना है। यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ पर एसेट्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको पोर्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करना है। यदि आपका विंडोज 32 बिट है तो आप X86 वाला डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका विंडोज 64 बिट है तो आप 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैंने अपनी डेस्कटॉप पर रख लिया है। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, फिर यस कर देंगे और ये एप्लीकेशन ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है। VM नेम में आपको वो वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया है। मैंने विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट किया था, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। VM नेम को सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो आपका बूटेबल पेन ड्राइव है वो आपके सिस्टम में कनेक्टेड होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर जो आपका वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके स्क्रीन पर एक ऐसा वार्निंग आ जाएगा, यहाँ पर आप यस पर ही क्लिक करेंगे। फिर एक और मैसेज आएगा, फिर से आप ओके पर क्लिक करेंगे। फिर जो आपका वर्चुअल मशीन है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर आप यहां पर वो विंडोज सेलेक्ट करेंगे जो आपने क्रिएट किया है और सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। यदि आपने पहले से अपने इस वर्चुअल बॉक्स में कोई विंडोज इंस्टॉल किया है तो आपके स्क्रीन पर एक ऐसा डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, यहां पर आप कैंसल पर प्रेस करेंगे और फ्रेंड्स ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो विंडोज इंस्टॉल होगा ये आपके बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो विंडोज इंस्टॉल होगा ये हमारे बूटेबल पेन ड्राइव को यूज करके होगा। तो फ्रेंड्स ये विंडोज आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको कैंसिल कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसे क्लोज कर दिया है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं क्योंकि मुझे विंडोज को इंस्टॉल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप कैसे एक बूटेबल पेन ड्राइव को यूज करके वर्चुअल बॉक्स में बूट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना
साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और पीसी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।